कहूंगी कि वहाँ पे जो भी कुछ हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात, जिस प्रकार से वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके लगातार अराजकतापूर्ण के स्टेटमेंट आ रहे हैं और वह जो क्रिमिनल्स हैं उनको छाया दे रही हैं अपनी गवर्नमेंट की, इस प्रकार के काम कुकृत्य ना करें। वह एक तरफ कहती हैं कि मैं माँ काली की उपासना करती हूँ, मैं माँ काली की बड़ी भक्त हूँ, और दूसरी तरफ वो जिस बेटी के साथ इतना कुकृत्य हुआ उसके ही जो क्रिमिनल्स थे उनको सबको छाया देना बचाने का काम कर रही हैं। ये किस प्रकार की सरकार है? मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति जी से अपने संगठन के माध्यम से और ऐसे भी जितने भी हम लोग हैं, महिलाएं हैं, हम उनके माध्यम से कहना चाहते हैं कि वहाँ की सरकार में को गिराया जाए और तत्काल प्रभाव से जो है वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि इस प्रकार की घटना देश में मैसेज देने का काम करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही है उन्होंने कहा कि हम अटके रहेंगे तो हम काटे जाएंगे, हम लोग को एक रहेंगे। बिल्कुल एकजुटता की जो है वो है, जरूरत है, और आज हम लोग इसीलिए सभी लोग एकत्रित हुए हैं कि जब तक एकता नहीं होगी तब तक हमारी बात सुनी नहीं जाएगी। और बंगाल की बेटी हो चाहे कहीं की भी बेटी हो, अपर्णा यादव कंधे से कंधा मिला करके उन सभी विक्टिम्स के साथ है जिनके साथ इस प्रकार की कुकृत्य हुआ हो, और उनकी जो भी समस्याएं हैं, मैं तो ये कहूंगी कि वहाँ की चीफ मिनिस्टर एक लेडी चीफ मिनिस्टर है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उनके क्रिमिनल्स को तुरंत सजा मिलनी चाहिए थी। आप लोग खुद एक वरिष्ठ पत्रकार है, खुद आपने देखा किस प्रकार से डिले होता चला गया है। वो अगर रेप नहीं मर्डर भी है तो ऐसा मर्डर क्यों हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज में, ये एक सोचने का बहुत बड़ा विषय है। इसीलिए उनकी सरकार गिरनी ही गिरनी चाहिए और उस जो बच्ची है वो उसको न्याय मिलना चाहिए। देखिए अभी मैं चुनाव संबंधित कोई भी बात नहीं कहूंगी, मैं बस ये चाहती हूँ कि बंगाल सरकार गिरे। यही कहूंगी कि वहाँ पे जो भी कुछ हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात, जिस प्रकार से वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके लगातार अराजकतापूर्ण के स्टेटमेंट आ रहे हैं और वह जो क्रिमिनल्स हैं उनको छाया दे रही हैं अपनी गवर्नमेंट की, इस प्रकार के काम कुकृत्य ना करें। वह एक तरफ कहती हैं कि मैं माँ काली की उपासना करती हूँ, मैं माँ काली की बड़ी भक्त हूँ, और दूसरी तरफ वो जिस बेटी के साथ इतना कुकृत्य हुआ उसके ही जो क्रिमिनल्स थे उनको सबको छाया देना बचाने का काम कर रही हैं। ये किस प्रकार की सरकार है? मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति जी से अपने संगठन के माध्यम से और ऐसे भी जितने भी हम लोग हैं, महिलाएं हैं, हम उनके माध्यम से कहना चाहते हैं कि वहाँ की सरकार में को गिराया जाए और तत्काल प्रभाव से जो है वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि इस प्रकार की घटना देश में मैसेज देने का काम करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही है उन्होंने कहा कि हम अटके रहेंगे तो हम काटे जाएंगे, हम लोग को एक रहेंगे। बिल्कुल एकजुटता की जो है वो है, जरूरत है, और आज हम लोग इसीलिए सभी लोग एकत्रित हुए हैं कि जब तक एकता नहीं होगी तब तक हमारी बात सुनी नहीं जाएगी। और बंगाल की बेटी हो चाहे कहीं की भी बेटी हो, अपर्णा यादव कंधे से कंधा मिला करके उन सभी विक्टिम्स के साथ है जिनके साथ इस प्रकार की कुकृत्य हुआ हो, और उनकी जो भी समस्याएं हैं, मैं तो ये कहूंगी कि वहाँ की चीफ मिनिस्टर एक लेडी चीफ मिनिस्टर है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उनके क्रिमिनल्स को तुरंत सजा मिलनी चाहिए थी। आप लोग खुद एक वरिष्ठ पत्रकार है, खुद आपने देखा किस प्रकार से डिले होता चला गया है। वो अगर रेप नहीं मर्डर भी है तो ऐसा मर्डर क्यों हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज में, ये एक सोचने का बहुत बड़ा विषय है। इसीलिए उनकी सरकार गिरनी ही गिरनी चाहिए और उस जो बच्ची है वो उसको न्याय मिलना चाहिए। देखिए अभी मैं चुनाव संबंधित कोई भी बात नहीं कहूंगी, मैं बस ये चाहती हूँ कि बंगाल सरकार गिरे।